भोंकेंगे तो हम भी क्या कुत्तों की तरह भौंकना शुरू हो जाए कुत्ते और हम में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा बस इतना कहना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी सी बहनों को कि यार प्लीज़ बच्चों के बारे में कोई भी बात ना करें मुझे पता है हमारे बच्चों पे बहुत गंदा बोला जा रहा है चार पाँच दिन से बोला जा रहा है लेकिन मैं ऐसे लोगों को कभी भी जवाब नहीं देती क्या करूँ अगर वो मेरे बच्चों को अगर बुरा बोल रहे हैं तो मैं भी वैसे ही लाइव लगा के या वैसे ही रिएक्शन में आके उनके बच्चों को बोलूँ तो उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे उनके बच्चे हैं बच्चों के मुस्तबिल का सवाल होता है प्लीज़ खुदा रहा मुझे पता है पहली पहली दफा जो है बच्चों पे बात जो की गई है उसी साइड पे की गई है लेकिन हमने ऐसा नहीं करना कुत्ते भौंकते रहते हैं काफले गुजर जाते हैं असल नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है बहुत सारा प्यार तो जी जना वेलकम हो गया वीडियो शुरू करने से पहले लाइक तो ठोक दो क्योंकि होता है फ्री में कर दो कर दो फ्री में है तो कर दो <laughs> तो मिर्जा <जीज़> <coughs> मिर्जा गालिब गालिब लिखते हैं फिर नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं फिर नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं कब्रें जितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता इसके बारे में पहले भी कई दफा बात कर चुकी हूं कि जब कोई आ, <laughs> जब जिंदा होता है ना उसकी वैल्यू नहीं रखते लोग उसकी उसको वैल्यू नहीं देते और जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो कब्रें सजा रहे होते हैं और फूल से निछावर कर रहे होते हैं पक्की कब्रें बनवा रहे होते हैं खूबसूरत करके बना रहे होते हैं और फिर वैल्यू देने की कोशिश करते हैं आज मैं भी मुझे याद है और तो खैर मेरे अपने लाइफ में भी इस तरह से वाक़ हुए हैं तो मैंने जो बताया भी है आ, कुछ जो मुझे पहले से जानते हैं कि क्या क्या वाक्यात क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरी मेरी वालदा जब इस दुनिया में थी उनके साथ क्या पेश आए वाक्यात उसके बाद और मेरी सिस्टर उसके साथ क्या वाक्यात पेश हुए वो सब मैंने बताया हुआ है आहिस्ता आहिस्ता जब अपना रिएक्शन देती हूँ उसमें मुझे मेरी बातें याद आती हैं मेरी लाइफ की स्टोरी याद आती है काफ़ी सैड है और मैं कहती हूँ फिर जब मैं दूसरों का दर्द सुनती हूँ ना तो फिर मुझे मेरा कम लगता है मैं कहती हूँ नहीं हमारा तो दर्द बहुत कम है तो शायद अल्लाह पाक ने ना उनको इस दुनिया की अजियत से अल्लाह पाक ने निजात दिलाया इसलिए अपने पास बुला लिया आ, मैं मैं आर्ज मैविश एक ब्लॉगर है यहाँ से डीजी खान कोट अद्दू टाइप है कोई यहाँ पे अच्छा पहले तो जी वेला मुंडा साहब के वन मिलियन हो गए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा सरायकी भाई है और ज़िंदगी नहीं मिलूंगी मैं असल में खुद ही कम लोगों से मिलती हूँ ना कम मैं मैं घर से भी बहुत कम निकलती हूँ मेरी इस तरह की नेचर है मैं क्या करूँ तो बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं सराइकी पे ब्लॉग बनाते हैं सारा तो वन मिलियन हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारकबाद अच्छा आज ये मैं साहिबा जिनकी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली थी और उसके बाद जो है आ, उसकी कब्र इतनी बड़ी करके माँ ने बनाई फिर फूल डाल रही होती है और फिर आ, मतलब सहेलियों की तरह ज़िंदगी वो गुजारा करती थी उस वो किसी लड़के को पसंद करती थी तो माँ ने पहले समझाया बुझाया फिर बाद में खैर लड़का एक वो वो भी यूट्यूबर था लड़का <coughs> सामल नाम था आई थिंक मैं अगर भूल नहीं रही तो तो उस लड़के ने भी खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसके वालिद और इसकी वालदा की तरफ से प्रेशर थे कुछ कुछ डिमांड थी कुछ निकाह के तौर पे लिखवाना चाहती थी माँ और आगे वो जो लड़के का वालिद था वो कहता था कि देखें जी हम जो है हम नहीं लिख के देते हम नहीं लिख के देते तो इस तरह से कुछ चीजें चल रही थी कुछ था वाक्यात इस तरह के थे कि दोनों ही लड़की और लड़का ने अपने आप को ख़त्म कर लिया और वो इस दुनिया से चले गए तो बात यह है कि जब इंसान जिंदा होता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती जब वो चले गए तो बाप अलग पगड़ी अपनी उतार उतार के पिटता था अपने आप को और वालदा अलग रोती पिटती थी और जो है चीखे मार मार के धाने मार मार के आज भी रो रही है तो खैर अल्लाह माफ़ करे इस तरह से और भी बड़े वाकियात हैं और भी बड़ी चीज़ें हैं जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो फिर बाद में लोग बड़ी वैल्यू दे रहे होते हैं मैं देख रही होती हूँ अक्सर वो फूल लेके जाती हैं जब उदास होती हैं जब खुद दुखी होती है ना माँ फिर वो अपनी बेटी की कबर पर जाती है फूल फेंकती है और रोती है धाड़े मार मार के रोती है तो खैर अल्लाह तला पहले तो भाई बेटियों के नसीब अच्छे करे वो आज मैं खुद भी आ कुछ इसी तरह की दुखी बंदी है अक्सर जो चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके फिर रहे होते हैं ना बड़े दुखी लोग होते हैं मैं फील कर सकती हूँ लोगों की नज़र में वो पता नहीं कितनी कैसी भी होगी लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसके फीलिंग को समझती हूँ कहीं ना कहीं वो मुझे पहले विलन विलन टाइप लगती थी फिर बाद में मैंने उनको थोड़ा सा देखा जहाँ बाद में पता चला यार ये खुद भी बहुत बेचारी दुखी तकलीफ़ ज़्यादा बंदी है अल्लाह अल्लाह ताला सब के दुख दूर करे अल्लाह ताला सब को सुकून आता फरमाए यार और ऐसे ही वालदेन भी जब ज़िंदा होते हैं खुदा रा खुदा बचे उनका थोड़ा सा ख्याल रखें उनकी ख्वाहिशात का जो है ख़्याल रखें जेब खर्च दे दिया करें दे दिया करें कुछ नहीं होता आपके ख़जाने में आ, कमी नहीं आएगी ऐसे ही हम चाचा ग़ुलाम को भी देखते हैं तो उनके बच्चे ना अम्मी 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 के नारे लगाए होते हैं लेकिन वालिद साहब जिंदा हैं उनकी केयर कोई भी नहीं करता कोई भी नहीं करता सिवाय सितारा या सितारा की वालदा के मैं आ, मैंने व्लॉग में सुना था माँ जी बार बार कह रही थी मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा देंगे तो फिर मैं आ, जो है कपड़े लूँगी हंस रही थी ना मुस्करा रही थी उनको वैसे कपड़ों की नहीं है ज़रूरत भाई नहीं है नीड इतना लेकिन हाँ औरत की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियाँ लाएँ या मेरे लिए कपड़े लाएँ या मुझे मेरे पे खर्च करें वो बार बार ना सब्जी ले आने की बातें कर रही थी कि आप ना कुछ सब्जी ले आना आप कुछ आप मुझे डेली घर में सामान ले दो मैं बैठी हूं मैं बनाऊंगी मैं खिलाऊंगी कुछ नोट किया किसी ने मैंने किया मैंने फील किया तो भाई वो जो बाबा जी हैं सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल से कमाया उन जदादें बना दी लेकिन अब जो है ख़ुद के लिए इनको थोड़ी सी आ रही है प्रॉब्लम तो भाई खुद के लिए सेविंग पहले करें बच्चों को अच्छी तरबियत दे दें बच्चों को अच्छा जो है पढ़ा लिखा दें तरबियत दे दें दे, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी कि आपके बच्चे आपको ख़र्चा देते हैं या नहीं देते क्योंकि आप उनके लिए जदादे बना लोगे ना कि हमारे बच्चे सुकून से कमाए खाएं तो वो ऐसा नहीं होता आ मैं खुद हैरान होती हूं कि यार ये बंदा मेहनत मजदूरी में शायद लगा रहा है बच्चों की भी तरबियत सही नहीं कर पाया उनको भी इग्नोर किया जो कि अब सारे बच्चे ना दिल में नफरत लिए बैठे हैं अच्छा नहीं समझते अपने वालिद को तो <coughs> लेकिन बाबा जान ने कोई कसर नहीं छोड़ी जदाद बनाने में तरबियत दे देते प्यार दे देते तो शायद आज ये वाकियात ये चीजें ना हो रही होती आज ये खुद भी एहसास कमतरी का शिकार ना होते ना अधूरापन अपने आप में महसूस करते सारे मिलजुल के बैठते तरबियत अच्छी कर दें और समझाया करें छोटों की कदर बड़ों की कदर बताया करें कि भाई ऐसे आपने सलूक करना है बड़ों के साथ छोटों के साथ मैं आपको बताऊँ अगर हमारे बड़ों में नाराज़गियाँ होती थी ना तो हम बच्चे जो हैं अपने ये नहीं देखते थे अबू और चाचू की लड़ाई है तो हम चाचू को ना बुलवाएँ नहीं हम अबू की तरह ही अपने चाचू की रिस्पेक्ट करते थे और सर झुका के उन उनसे मतलब सलाम लेना प्यार लेना और उनसे जो है वैसे ही अकीदत रखते थे मोहब्बत रखते थे और रखते हैं रखते हैं ये नहीं कि भाई हम बदतमीजी पे उतर आएं कि हाँ हमारे अब्बा के साथ तूने ऐसे कर दिया तो नहीं वो भाई हैं वो उन्होंने सुलह कर लेनी है लेकिन हम जो है अपनी तहजीब को खराब नहीं करते थे बदतमीजी पे नहीं उतरते थे शायद ये हमारी तरबियत थी और अब्बा जान बेशक जितना गुस्से में होंगे लेकिन जब औलाद बोलेगी ना चचा को तो, तो फिर समझ तो जाओ अब अब्बा को भी बुरा लगेगा कि हम बदतमीज हो गया तुम लोग तो कई लोग तो खुद ही कहलवा रहे होते हैं ना वालदे कि जाओ इन्हा दी बजा दो इनको बजा के रख दो तो तरबियत ज़्यादा मैंने रखती है और उसके बाद जो है आपको बुढ़ापे में फिर ये टेंशन ही नहीं, नहीं होगी लेकिन चलो ठीक है वालदे से अगर कुछ हो जाती है इस तरह से कि वो गुस्से में आपको मतलब टाइम नहीं दे पाते या आपको आ, हो जाता है इग्नोर करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा ख्याल कर लें बच्चे ही ख्याल कर लें अपने वालदेन का जो दुनिया में नहीं है उसके लिए आप रो रहे हैं और जो दुनिया में बैठे हैं उसको आप मुँह ही नहीं लगाते तो खैर यहाँ पे जो है सल्लू साहब ने ब्लॉग में इशारे पिछले दिन भी दिए आज से पंद्रह बीस दिन पहले कि मेरे भाई साहब आ गए हैं भाई जान आ गए मैं सदके के मैं कुरबान मेरी जान आ, तो सरप्राइज़ और ये वो एक दिन तो उसने फ़ोटो भी लगा दी ना तो खैर वो लाइव में आए थे वो पाकिस्तान नहीं आए थे लेकिन अब जो है इसने फिर इशारा दिया है कि मेरा भाई आ गया है लेकिन लोगों को बता नहीं रहा खुल खुला के तो थोड़ी सी आवाज़ सुनाई है अब अल्लाह बेहतर जाने वो रियल है या फेक है देखें अगर रियल है तो फिर वो अपनी बहन और बहनोई को वहाँ पर अकेला कैसे छोड़ के आ गए बीवी जवान बेटियाँ हैं तो वो उनको अकेला छोड़ के यहाँ पे क्या करने आए काफ़ी सारा सामान समून भी दिखा रहे थे तो मुझे तो नहीं लगता आए हैं अगर आए हैं तो छुप के क्यों आए हैं खुल खुला के आना चाहिए क्योंकि ये तो हमेशा कहते हैं सितारा हम पे केस करो हम आ रहे हैं हम हम मतलब धड़ल्ले से आ रहे हैं और खुल खुला के आ रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है या तो इसने अपनी लाइफ में खुद भी बोला है सल्लू ने <coughs> किसी ने कहा आपका भाई आ गया है या फिर बल्कि अपने व्लॉग में भी बोला है कि देखिए जी मैं पता नहीं अब दिखाता हूँ भाई भाई जान आ गए मैं पता नहीं अब दिखाता हूँ नहीं दिखाता या फिर मैं कंटेंट टाइप बनाऊंगा मैं देखता हूँ दिखाऊँ या ना दिखाऊँ लेकिन मेरा भाई आ गया है तो अगर भाई आ गया है तो फिर बहनोई और बहन को वहां पे अकेला छोड़ के आ हैं समय से बाहर है ये चीजें अगर आए हैं तो छुपके क्यों आए हैं ऐलान कर दें बता दें ताकि जिनके साथ जो मसला है बंदा वो भी हल कर ले, हैं मतलब लेन देन पैसे लोगों की ज़मीनें लोगों के चीज़ें बहुत कुछ चल रहा है तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई बाबा जान भी अपने व्लॉग में नजर आए हैं सल्लू के मोटरबाइक पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग सारे एक मिले हैं अब अल्लाह बेहतर जाने ये भी सच है या झूठ है या अस, अक्सर अक्सर इस कंट्रोवर्सी में ना अक्सर झूठ भी बोले गए हैं ये भी याद रखें बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं जो सच नहीं होती जो सच नहीं होती लेकिन ऐसे फील करवाया जाते कंटेंट बनाना है ना लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ तो फिर इसलिए जो है अह ये जो होता है ना मतलब माइंड के साथ खेलना कुछ झूठ बोल देना कुछ मतलब आ, इस तरह अगर सच भी है तो खुल खुला के आना चाहिए और आ, बताना चाहिए कि भाई हम एक है भाई एक है हम सारे एक हैं इस तरह से कुछ जो है वो करना चाहिए बताना चाहिए लेकिन सलू साहब जो है अलबैक देख के आए रब्बा खाऊ 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 है डब्या खाता इतना ही है अलबैक को देख के कहता भाई को छोड़ो अलबैक ऐसे मतलब यार मतलब शदाई है खाने का ये अलबैक को ज्यादा देख के खुश था आप पता नहीं इनके कोई जानने वाले हर दूसरे दिन तो आए होते हैं भाई मुल्तान एयरपोर्ट पे हर कोई ना कोई दूसरे दिन आया होता है हमारे अपने बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं कभी दुबई तो कभी सऊदी अरब जो है जा रहे होते हैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई ये अलग बात में मैं जरा कम कम निकलती हूँ घर से बाहर <laughs> तो इसके बाद जो है <coughs> सल्लू साहब ने जनाब अपना अल्पाइक दिखाए और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड ने बिरयानी बनाई अच्छा भाई इसका भी लेफ्ट हैंड है आ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मतलब मुझे समझ नहीं आई कि भरजाई का भी लेफ्ट हैंड था राइट हैंड था अब इनका भी लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है समय से बाहर है ये क्या चल रहा है भाई ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं खापा हो रहा है अब जो भी भाई साहब आए हैं उसको तो इसने पलंटी डाल दी ना कि अगर मैं बिरयानी खिलाऊंगा तो तुम्हें मुझे अलवैग खिलाना होगा मुझे चीजी खिलानी होगी मैं नहीं मैं चीजी खाऊंगा तो अगर भाई साहब आए अजगर साहब तो इनको चाहिए कि ये खुल खुला के गज वज के लोगों को बताएं कि भाई मेरे भाई साहब आए हुए हैं हम एक हैं हम एक हैं के नारे लगाएं लेकिन खैर इनके भाई ने ये भी रोका था कि तुमने मेरी फोटो नहीं लगानी व्यूज कमाओगे हमारे नाम के तुम इनको तो भाई व्यूज की एक तो पड़ी रहती है बड़ी है या ये है लेकिन खैर मेहमानों को छोड़ के ये कैसे आ सकते हैं किस तरह मौका दे सकते हैं मेहमानों को कि तुम लोग वहाँ बेह रहो मैं जा रहा हूँ हैं हंडी लोटी कौन ले आएगा अच्छा खैर इनको छोड़ें तो जी जनाब जनाब ये था सूरत हाल ये था वा किया और इसके बाद जो है जनाब आ, सितारा का ब्लॉग सितारा का ब्लॉग ब्लॉग ज़बरदस्त ब्लॉग कोरमा कोरमा दिखाया गया हाय हैप्पा ज़बरदस्त कोरमा बना हुआ लग रहा था ग्रेवी के साथ शादियों में अक्सर इस तरह से खाया जाता है और घर में भी इस तरह से बनाया जाता है तो कोरमा उन्होंने बनाया और उसके बाद आयत की फुल वही मस्तियाँ चीज़ें जब बुखार होता है तो मैंने ट्यूशन जाना है स्कूल जाना है और जब ठीक होती है तो फिर कहती मैंने नहीं जाना जो जो करना है कर लो जब से ये बोलने लगे बड़ा मजा आता है मुझे इनको सुन के ना इनकी मस्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मज़ा आ जाता है तो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं नहीं जाऊंगी <laughs> खैर सितारा का जनाब श, कहना था कि मेरा घर पूरा शादी हॉल बना शादी वाला घर बना हुआ है शादी हॉल कह रही है शादी वाला घर बना हुआ है और फुल जनाब बिखेरा हुआ हुआ है कपड़े शादियों की जो जो शॉपिंग करती आ रही हूँ ये बैग शैग सारे यहाँ पे पड़े हैं कुछ दिखाए भी सही उन्होंने और उसके बाद जनाब शादी के कार्ड के लिए भी कहा कि मैंने वो बनवाने जाने हैं और जो जो सितारा ने कहा कि मैंने जिस जिस को बुलाना है जिन जिन को इनविटेशन देना है मेरे जो हैं मिलने वाले उनको उनके लिए मैं कार्ड जो है छपवा रही हूँ और प्रिंट जो होते हैं वो करवा रही हूँ पसंद किए उन्होंने अच्छे लग रहे थे वो भी खैर और उन्होंने बोला है कि सितारा ने कहा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि मुस्तफ़ा को पैसों की अहमियत बताओ बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों को पैसों की अहमियत बतानी चाहिए लेकिन आ, मैंने जहाँ तक देखा है वो नॉर्मली होता है यार कुछ मैं मैंने फजूल चीज़ें नहीं देख देखा उसको खर्च करते हुए जूते ही मांग रहा था बच्चों के ये ख्वाहिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े या जूते माँ तो कपड़े ले आती है जो मौसम के हिसाब से होते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो तो ज़रूरी है भाई लेना ही लेना है वेल ड्रेस रहना चाहिए और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि उसको पैसों की अहमियत बताओ कि चीज़ें जो है कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे उसको खर्च करना है उसको चीज़ें बताएं तो खैर वो सितारा उनको कह रही थी और पुराने दिन जो है वो याद दिलवा रही थी देखो फ़लाँ दुकान पे अगर मैं तुम्हें कहती थी उधार लेके आओ घी नहीं है हमारे घर में घी लेके आओ दुकानदार से तो वो दुकानदार हमें उधार नहीं दिया करता था तो वापस भेज देता था वो पुराने दिन याद करो तो हंस रहे थे <laughs> अपने वो पुराने दिन याद करके और ख़ैर सितारा तो इन चीज़ों को काफ़ी वैल्यू देती है और काफ़ी याद भी करती है अपनी चीज़ों को लेकिन अगर अल्लाह ताला ने दिया है, तो मेरे ख्याल से बैलेंस में रहकर खर्च करना भी सवाब है गुनाह नहीं है लिमिटेड तरीके से चलना चाहिए खर्च करना चाहिए कंजूसी को भी अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है क्योंकि पैसा दुनिया में रह के जाना है मतलब रह जाना है तो खैर उन्होंने याद दिला रहे थे एक दूसरे को देखो वो ऐसे हम घी मंगवाते थे या कुछ सौदा सलभ मंगवाते थे तो दुकानदार अक्सर कहते थे नहीं मैं नहीं दे रहा जाओ तुम यहाँ से तो वो तो... वाले <laughs> दिन याद लाए तो उसने कहा मैंने कौन से कपड़े मांगे हैं मैंने जूता ही मांगा है मैंने और तो कुछ भी नहीं मांगा तो खैर कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा भी मुझे सही लग रहा है यार अभी जूते लिए हैं लेकिन कोई नहीं बच्चों के शौक होते हैं हम बड़े बड़े स्टारों को भी देखते हैं या हम नॉर्मल लेडीज़ को देख लें लाइन लगी पड़ी होती है जूतों की तो ये बच्चा है ये तो जूता अगर लेता है टूट भी जाता है भागना है दौड़ना है ये उम्र ऐसी है कि इनमें तो यही चीज़ें इनकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे जूते जो हैं बच्चों की खास कर जो ये जिस तरह ये फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और जिस तरह से वो होता है तो ठीक है ये भी सही है या बताना भी चाहिए कि भई महंगी चीज़ नहीं नॉर्मल चीज़ ले लें बहुत एक्सपेंसिव भी ना लें और बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना लें एक लिमिट लिमिटेड रेंज में जो है बंदा चीज़ ले ले खैर यहाँ पे अच्छी बात है बच्चों को अहमियत दिलवानी चाहिए जो कि दिलवाया भी सही और जनाब उसके बाद जो है आ, मुस्तफ़ा ने बस यही कहा मैंने तो बस जूते मांगे सितारा और साजिद ने कहा जनाब ये ये मेरे साथ भी हुआ था आ, ये टू, ले, टू लेट लिखा होता है अक्सर बोर्ड पे तो मुझे नहीं समझती कि यार ये क्यों लिखते हैं पाकिस्तान में भी इसी तरह लिखा होता था फिर जब हम दुबई गए तो वहां पे भी मैंने देखा तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा मैंने कहा यार ये टू लेट क्यों लिखते हैं क्या इसका मतलब क्या है बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप वो अपने बैनर्स जो जो आप कमर्शल्स वो लगाते हैं यार मशहूरी वगैरह करने के लिए जो चीज़ें लगाते हैं आप इस पर लगा सकते हैं तो ये नंबर है आप इस पर अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं ये पब्लिसिटी के लिए होता है तो मैंने कहा ओ अच्छा <laughs> लेकिन सितारा ने इसका मतलब कुछ और निकाला कि मैं समझती थी कि ये नंबर इसलिए दिया हुआ है कि आगे जो है टॉयलेट आने वाला है <laughs> भाई ने भी कहा कि हाँ मुझे भी समझने में मसला होता था अब हम लोगों को समझ आई कि अच्छा इसका मतलब क्या है तो हाँ जी इसका मतलब यही है खैर जनाब मार्केट गए वहाँ पे शादी वाली गली दिखाई है मेरे ख्याल से शहजाद मार्केट गए हुए थे शायद शहजाद मार्केट, मार्केट कहते हैं ना फैसल किधर गए फैसल ऐसा नहीं है। दूसरे कमरे में चलो हाँ शहजाद शहजाद मार्केट गए हुए थे राजा बाजार राजा बाजार कहते हैं सॉरी राजा राजा बाजार मैं शहजाद मार्केट कह रही हूँ राजा राजा मार्केट गए हुए थे ये लोग शायद मुझे यही लग रहा है तो वहाँ पे इन्होंने देखा जनाब कौसर और सितारा दो शॉप लिखी हुई थी सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ का नाम भी देखा और बताया ये देख वो देख एक साइड पे कौसर लिखा है एक साइड पे सितारा लिखा है कैसा फिर खुश हो रही थी कि <laughs> देखो एक साथ नाम लिखा हुआ है खैर उसके बाद जो है इन्होंने वो बाज़ार राजा बाजार दिखाया वहाँ पे शादी के हार टंगे हुए थे और जैसे पैसों वाले हार अभी भी चलते हैं भाई पैसों वाले हार पहनाए जाते हैं दूल्हे को और जो है रस्में होती हैं लोग पहनाते हैं और फूलों वाले हार सेज का सामान और उसके बाद जो है ना कफन 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 की शॉप भी वहाँ पे देखी कफन की शॉप देख के सितारा कहती है शादी का भी सामान लो और कफन का पूरा सामान भी मिलता है यहाँ पे तो कफन दफन का सामान भी वहाँ पे मिलता है ये भी देख के ज़रा <laughs> डिफरेंट लगा <laughs> वाकई यार फूलों वाली हारों वाली मार्केट के बीच में ही कफन का भी सामान अच्छा ये हम ब्रांड की दुकानों में अक्सर जाते हैं वहाँ पे कफन मिलता ब्रांड का कफन सबने एक ही जैसा पहनना है एक ही एक दुकान से लेना है उसमें फिर ब्रांड ही होगा <laughs> क्या ख्याल है अल्लाह माफ करे खैर अच्छा जी उसके बाद जो है, सितारा घर आई घर घारा आके कार्ड शाट सेलेक्ट करके उन्होंने जब वो घर आई हैं तो उसके बाद कहती है भाई मेरा तो दिल है मैं क्वीन बनूँ मैं एक दिन के लिए क्वीन बनूँ और मेरी ख्वाहिश है और मैं फील करती हूँ क्या सच्ची में क्वीन होती हैं हैं ये शहजातियाँ क्वींस हैं ये होती हैं तो ये क्या सच्ची में होती हैं मेरा दिल करता है मैं भी क्वीन जैसी फीलिंग लूँ और मैं क्वीन बनूँ <laughs> तो भाई आप क्वीन ही हैं आप इतने लोग पसंद करते हैं मोहब्बत करते हैं आपके ब्लॉग देखते हैं आपकी आ, आप जब रोती हैं आपके साथ रोते हैं आप जब हंसती हैं आपके साथ हंसते हैं तो आप वाकई ही कोई आपकी अहमियत जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि आप वाकई क्वीन हैं और ज़बरदस्त जो है किस्म की बंदी हैं आप और आपसे काफ़ी लोगों ने काफ़ी तहम्मल मिजाजी सीखी है सहना सीखा है बर्दाश्त करना सीखा है रिश्तों को निभाते कैसे हैं वो सीखा है आपने अपनी जो आपकी ये स्टोरी है लाइफ स्टोरी है उसको आप कैसे ले कर चल रही हैं आप अपनी लाइफ को वो सीखा है एक कम उम्र लड़की हैं आप उसके बावजूद आपने काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं बर्दाश्त की हैं आपने हेट जहाँ पे देखा है लोगों का वहाँ पे आपने प्यार भी देखा है तो खैर सितारा जो है अपने बेटे को कह नहीं थी मैं कह रही हूँ कि मैं एक दिन क्वीन बनूँ फिर उसने कहा नहीं आप जब वन मिलियन होगा ना आपका उस दिन आप क्वीन बने उस दिन क्वीन बने और ताज शाद पहने और क्वीन जैसी फीलिंग आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये भी वैसे ज़बरदस्त है हैं जब वन मिलियन हो सितारा जो है क्वीन जैसा ताज पहने मज़ा आ जाए इनके इस तरह का व्लॉग देख के और इस तरह की खूबसूरत परी जैसी लग रही हूँ मज़ा आ जाए देख के ना तो खैर अल्लाह करे वन मिलियन जल्द इनका कंप्लीट हो और ऐसे ही आप अपने काम से सर रहें काम करती रहें तो सब इनशा पॉसिबल है क्यों नहीं है पॉसिबल सब पॉसिबल है तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़